विदेशी बाजारों में तेजी के चलते और स्थानीय स्तर पर खाद्य तेलों की सप्लाई घटने के बीच तेल तिलहन बाजार में इस हफ्ते के शुरुआत में सोयाबीन, जिगम और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला, जबकि बाकी खाद्य तेलों के भाव में कोई ज्यादा मंदी तेजी देखने को नहीं मिली। दरअसल सूरजमुखी, सोयाबीन, जिगम और पामोलिन तेल की विदेशों से सप्लाई कम होने के कारण ये ऊंचे भाव में बिक रहे हैं। वहीं बाकी खाद्य तेलों की सप्लाई होने से इन खाद्य तेलों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मलेशिया एक्सचेंज में भी 1% की तेजी हफ्ते के शुरुआत में देखने को मिली, तो वहीं शिकागो एक्सचेंज भी 2% तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दिया। जानकारों का कहना है कि सरकार जब तक सूरजमुखी तेल के आयात पर 20 लाख टन की सीमित कोटा खत्म नहीं करेगी, तब तक इस तेल की सप्लाई कम रहेगी और दाम ऊंचे बने रहेंगे। सरकार के इस निर्णय से राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, साथ ही उपभोक्ताओं को सूरजमुखी तेल के लिए लगभग 20 से 30 रुपए प्रति लीटर अधिक देने पड़ रहे हैं। इन तेलों के दाम थोक में भी प्रीमियम के साथ बेचे जा रहे हैं, जबकि सरकार ने यह सोचकर आयात शुल्क लगाने का निर्णय लिया था कि इससे उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की बचत होगी। बचत तो दूर की बात, लेकिन ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार को सूरजमुखी और सोयाबीन, जिगम के आयात की सीमा को खत्म कर देना चाहिए या पहले की तरह शुल्क लगा देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दियों के मौसम के चलते इन तेलों की मांग बढ़ेगी, लेकिन सरकार की इस नीति से उपभोक्ताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।